पूरे तरीके से अपराधों को अंजाम दिया। तीन गैंग्स के साथ संबंध था और 3 32 बोर की पिस्तौल और गोलियां भी बरामद की गई है। तो ये बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। अक्षय पहलवान को गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस के द्वारा ये गिरफ्तारी हुई। हरियाणा का मोस्ट वांटेड सोनीपत का रहने वाला गिरफ्तार अक्षय पहलवान गिरफ्तार हुआ है। और बता दें कि हरियाणा पंजाब और राजस्थान की पुलिस को अक्षय की तलाश थी। रुक कर लेते हैं रोपड़ से संवाददाता अवतार कंबोज का। अवतार, क्या कुछ जानकारी है? बहुत लंबे समय से तलाश थी, 4 लाख का इनाम घोषित था, पंजाब पुलिस को ये कामयाबी मिली कैसे? जी बिल्कुल राज, बता दें कि ये उत्तरी भारत का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर था जो पिछले करीब 4 वर्ष से लूटपाट की व कत्ल की वारदातों को अंजाम देता आ रहा था। और हरियाणा पुलिस की ओर से इसके सर के ऊपर 4 लाख रुपए इनाम भी रखा हुआ था। इसी के साथ राजस्थान पुलिस ने भी इसके सर पे इनाम रखा हुआ, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रहा कि कितना इनाम रखा हुआ, क्योंकि कुल मिलाकर 3 दर्जन के करीब इसके ऊपर केस दर्ज है और इसके अलावा और कितने ही केस हैं, कितने ही मामले हैं जो अभी दर्ज नहीं हुए। 12 के करीब ये 4 साल में कत्ल कर चुका है और सबसे बड़ी बात है कि 19 वर्ष की आयु में अब तक ये 12 के करीब कत्ल कर चुका है। और एक सबसे जो बड़ी बात एक और देखने में सामने आ रही है, इसने राजस्थान के कुंडली में, सोनीपत के कुंडली में पिता पुत्र को इकट्ठे पिता पुत्र का कत्ल किया था, जो इसका पहला कत्ल था वो 15 वर्ष की आयु में किया था। जी राज, तो कुल मिलाकर बहुत से ऐसे मामले रहेंगे अवतार जिन पर से पर्दा उठेगा, क्योंकि गिरफ्तारी हो पाई है अक्षय पहलवान की, जो एक मोस्ट वांटेड और लाजमी तौर पर 3 राज्यों की पुलिस को उसकी तलाश थी। 10 से 12 कत्ल का इल्जाम उसके सिर पर, ये एक बड़ी कामयाबी के तौर पर रोपड़ पुलिस पंजाब पुलिस देख रही होगी। रोपड़ पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी की बात है, लेकिन मोस्ट वांटेड उत्तरी भारत का और ज्यादातर सरगर्म हरियाणा में रहा है, लेकिन पंजाब हरियाणा राजस्थान के 3 बड़े जो गैंगस्टर हैं उनके साथ इसका संबंध रहा है और जेलों में जो गैंगस्टरों के साथ इसकी मुलाकात होती थी, वहां से ये और आगे अपने लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने के लिए कार्य करते थे। और इसी तरह ज्यादातर जो इसने कत्ल किए हैं वो गैंगस्टरों की आपसी दुश्मनी के चलते किए हैं और इसी के साथ सुपारी लेकर हत्या करने के इसको सुपारी लेकर हत्या किया करता था। सबसे एक और राज में एक बात और बता दूं, पुलिस की जानकारी में सामने आया है कि अक्षय पहलवान को कत्ल करने के वक्त ज्यादा से ज्यादा गोली मारकर कत्ल करने में मजा आता था, तो उसको एक तरह की साइको के तौर पर भी देखा जा रहा है। जी राज, चलिए बेहद शुक्रिया अवतार इस तमाम जानकारी के लिए। तो पंजाब हरियाणा और राजस्थान 3 गैंग्स के साथ संबंध और कई राज्यों की पुलिस को तलाश थी अक्षय पहलवान की और अब अक्षय पहलवान पुलिस की गिरफ्त में है। रोपड़ पुलिस ने गिरफ्तार किया, पंजाब पुलिस को ये कामयाबी। हालांकि बहुत से राज्यों के लिए ये एक सुकून की खबर कि 10 से 12 मर्डर करने वाला अक्षय पहलवान पुलिस गिरफ्त। भूपुर बेदी तो फड़िया गया है, भूपुर बेदी की पुलिस से सीआई की पुलिस डीएसपी सुपरविजन हेड सोनीपत का रहने वाला है, 19 साल उम्र है जी। पिछले 2 साल च कोई 35 वारदातें कर चुके हैं, 15 मर्डर ते 20 तो ज़्यादा फिरौतियाँ ते डकैतियाँ, कार रॉबरीज ते एक्सटॉर्शन रैकेट भी चलाता सीगा ये दिल्ली हरियाणा ते यूपी बॉर्डर च। रोपड़ के बाद बड़ी खबर पठानकोट से, कठुआ केस के दोषियों को थोड़ी देर में